बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काम डाउन शुरू हो चुका है। मोदी जी आए और तेजस्वी जी को जो धमकी दी है वो धमकी इस बार बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। और ये तेजस्वी जी को धमकी नहीं दिए, हर वो बिहारी को दिए जो बिहार में रहते हैं, हर वो बिहारी युवा को दिए जो तेजस्वी जी को धमकी दिए है। इसलिए लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। तुम्हें फिरे जाए वही मेरा आग्रह है इन लोगों सब से कि सिर्फ चुनाव के समय मत आइए बिहार, इसके अलावा भी ये बिहार आते रहिए, बिहार में कुछ काम कीजिए, सिर्फ बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मत आइए। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। लोगों को भ्रम पैदा करने वाला काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए तेजस्वी जी ने उनको आईना दिखाया कि आपने जो किया और अभी जो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काम डाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। भाइयों और बहनों, ये इंडी गठबंधन वाले अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग बिहार और बिहारियों के अपमान के खिलाफ आवाज तक उठाते नहीं है। कांग्रेस के पंजाब के नेता ने बिहार से वहां काम करने गए, वहां मेहनत करके ईमानदारी से जीवन जीने वाले हमारे बिहारी मजदूर भाई बहनों का घोर अपमान किया, भद्दे शब्दों में अपमान किया। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। अभी अच्छा है राहुल गांधी जी आ रहे हैं और हम लोगों ने तो कमान संभाल ही रखा था ना, सातवीं चरण का चुनाव है और इसमें और जोश खोश से हम लोग पूरा पार्टी का पूरा टीम लगे हैं, एक एक वोट ट्रांसफर हो रहा है और ये जो ये अंतिम फेज है 100% सभी सीट हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं, इसमें कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं है। बीजेपी के कई कदावर नेता बिहार आ रहे हैं, आज मोहन यादव जी का भी एंट्री है, पटना में रोड शो करेंगे, सभा को संबोधित। इससे पहले बड़े बड़े लोग आए
नहीं ना, वो आए बिहार आए घूमे फिरे जाए। वही मेरा आग्रह है इन लोगों सब से कि सिर्फ चुनाव के समय मत आइए बिहार, इसके अलावा भी बिहार आते रहिए, बिहार में कुछ काम कीजिए, सिर्फ बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मत आइए। इसलिए इस बार तो जो हो रहा है, जो मोदी जी आए और तेजस्वी जी को जो धमकी दिए हैं, वो धमकी इस बार बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। और ये तेजस्वी जी को धमकी नहीं दिए, हर वो बिहारी को दिए जो बिहार में रहते हैं, हर वो बिहारी युवा को दिए जो तेजस्वी जी को धमकी दिए हैं। इसलिए आने वाले समय में मजबूती से हम लोग सामना कर रहे हैं, मजबूती से लड़ाई। 55 साल आप लोग लूटने का काम किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस 55 साल लूटने का सिर्फ काम किया है। पटना देखिए, सम्राट चौधरी जी भी तो कभी इंडिया गठबंधन के साथ थे। और रहा कि सम्राट चौधरी 55 साल की बात करें, तो उससे पहले तो उनके पिताजी वगैरह सब राज करते थे, तो जो चीज़ की उनकी जानकारी नहीं है उस पर ज़्यादा सम्राट चौधरी को बात नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट में हाँ ये है, भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी सीएम है और उनको मजबूती से अभी का काम करना चाहिए। उनको ये नहीं पता कि उनके सहयोगी में पूर्व रह चुके हैं या बिहार में राजनीति में जो मजबूत पार्टी है उनका प्रदेश अध्यक्ष का नाम उनको नहीं पता है, तो देश के बारे में क्या समझेंगे। तेजस्वी यादव ने ओबीसी मुस्लिम की सूची जारी की है गुजरात की और कहा है कि इन लोगों को पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और वही गुजरात है जहाँ 13 वर्षों तक नरेंद्र मोदी सीएम रहे। ये देखिए, ये लोगों को भ्रम पैदा करने वाला काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए तेजस्वी जी ने उनको आईना दिखाया कि आपने जो किया और अभी जो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसलिए उनको आईना दिखाया गया। चिट्ठी और